पंथी उग्रवाद इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, खतरा है। महोदय, वामपंथी उग्रवादियों का न तो भारत के संविधान में विश्वास है, न भारत के लोकतंत्र में विश्वास है। भारत राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में इनको कोई भरोसा भी नहीं है। वे हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इन्हें न लोकतंत्र में विश्वास है और इस विचारधारा वाली सारे संगठन भारत की मूल भावनाओं पर हमेशा प्रहार करते रहते हैं। इन वामपंथी उग्रवादियों ने हजारों हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है। आप तो ये बताओ, 2010 से लेकर अभी तक कितनी कमी आ गई? इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। महोदय, जो प्रभाव पड़ा है उसको मैं एक तुलनात्मक आंकड़ों के माध्यम से मैं इस देश को और इस सदन को मैं बताना चाहता हूँ। महोदय, LWE हिंसा की घटनाएं मई 2004 से अप्रैल 2014 तक जो हुई वह 16,274 हुई थी, जो मई 2014 से अप्रैल 2024 तक की जो घटनाएं हुई है वह 7,696 है, जिसमें 53% की कमी आई है। महोदय, सही सुरक्षा बलों के जवान जिन्होंने अपना जीवन खोया है वह उनके यानी कि सामने वाले की जब सरकार थी 2004 से 14 की तक की, उसमें 1824 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। और इन 10 वर्षों में मोदी के NDA सरकार के इस 10 वर्षों में 509 अपने जवानों ने भी जान गंवाई है। और इस प्रकार से जब देखेंगे तो 72% की कमी हुई है। नागरिक जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनके 10 वर्षों में यानी 4 से 14 के बीच 4,744 नागरिकों ने अपना जीवन खोया है। और मई 2014 से 24 के बीच 1,481, यह भी ठीक नहीं है, लेकिन नागरिकों की जान गंवाने में कमी आई है। जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा उनकी हत्या की जाती है 69% की इसमें कमी आई। LWE हिंसा में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों के शहीद जवानों को अगर देखें एक साथ तो 6568 जवानों और नागरिकों की हत्या हुई थी, जो घटकर 2014 से 24 के बीच 1990 हो गई, इसमें 70% की कमी आई। महोदय, इस प्रकार से एक आंकड़े जो जान गंवाने वाले नागरिकों तथा शहीद सुरक्षा कर्मियों की संख्या जो पहले थी 2010 की, उस हिसाब से 86% की कमी आई है, 86% की कमी आई है। और हिंसा की घटनाओं में 73% की कमी आई। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो पहले 126 यानी 2013 तक 126 यानी 126 2013 में था, जो अब घटकर 2024 में 38 जिले रह गए हैं। 2010 में 96 जिले थे, जो कम होकर 2023 में 42 जिले हो गए हैं। 2010 में 465 थानों में LWE का प्रभाव था, जो 2023 में घटकर 100 थानों में रह गया है। और महोदय, मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के मात्र 6 महीनों में 166 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। इन 6 महीनों में 600 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। महोदय, आत्मसमर्पण किया है यह दर्शाता है कि 10 वर्षों के इस NDA नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में
उनके संकल्प और उनके प्रेरणा में माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रयास किए गए हैं उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और आगे आने वाले दिनों में भारत से वामपंथी उग्रवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।